स्कूल फीस हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो के जिस स्लैब में वो दे रहे हैं। अब वो नाजायज इलीगल फीस देना नहीं चाहते, एजुकेशन के नाम पे फीस को बंद किया जाए। जहाँ पे लोग सिर्फ कोरोना नहीं बल्कि भूखमरी से भी जो है लड़ रहे हैं, जहाँ लोगों का ये हाल है कि आज उनके जॉब्स जो है वो छिन गए हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है, उस वक्त हम ये देख रहे हैं कि स्कूल जो है वो स्कूल अपने फीस को जहाँ था जैसा था उसको वैसे ही रख रहे हैं। बल्कि यही नहीं, हमने ये भी देखा है कि स्कूल फीस जैसे हर साल बढ़ाया जाता है, इस साल भी जो नए सेशन स्टार्ट हुए उसको बढ़ाया गया। हम आज अपना एहतजाज दर्ज करने के लिए यहाँ आए हैं कि स्कूल फीस हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो कि जिस स्लैब में वो दे रहे हैं। स्लैब से हमारा मकसद है कि स्कूल फीस में ट्यूशन फीस के अलावा लैब फीस होता है, लाइब्रेरी फीस होता है, मिसलेनियस और बहुत सारे फीस होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस होता है। अब इस वक्त जब स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस किस चीज़ का, लैब फीस किस चीज़ का, लाइब्रेरी फीस किस चीज़ की, मिसलेनियस चार्जेस किस चीज़ का। माँ बाप, एक खास माँ बाप, एक बड़े तबके का माँ बाप या एक छोटे तबके का माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजता? इसलिए कि मेरा बच्चा बेहतरीन एजुकेशन हासिल करके एक अच्छा इंसान बने। हम स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद हमें यही सिखाया जाता है कि आप ऐसी शिक्षा प्राप्त कीजिए जिससे आपके देश को फायदा हो, आपकी सोसाइटी को फायदा हो। हम यही सीखते हैं ना स्कूल में कि हमें कैसे बेहतर इंसान बनना है। और आज जब ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन है कि 3 महीने से लोग अपने घरों में कैद, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, और बंगाल की हालत तो ऐसी है कि साइक्लोन आने के बाद बहुत जगह ऐसी है जहाँ पर लोगों को खाना पकड़ा कुछ नहीं मिलता, और इस सिचुएशन में स्कूल फीस डिमांड हो रही है। तो आप सोचिए कि हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? आज स्कूल अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है कि जब पूरा देश महामारी से गुजर रहा है, क्राइसिस से गुजर रहा है, उस समय हमें पैसे बचाने के बारे में सोचना चाहिए। सबसे बड़ी बात, एक सवाल जो ये आ रहा है कि क्या जब स्कूल समर वेकेशन में बंद होते थे तो पेरेंट्स फीस नहीं देते? देते थे, तब उनका काम चलता, तब उनकी प्रॉपर जॉब होती, जो आज नहीं है। अगर आप किसी भी बिजनेस मैन से पूछें, किसी भी प्राइवेट कंपनी के जॉब से पूछें, आप किसी भी इंसान से पूछें, कोई खुश नहीं क्योंकि वो क्राइसिस से गुजर रहा है। इस बात को सरकार अमेरिका कैसे कर सकती है? 20 लाख करोड़ का पैकेज आम इंसान के लिए क्या रहा है? आप कहते हैं कि बच्चे देश का मुस्तकबिल है, यकीन है। तो अगर आज आप इन बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं करेंगे तो आगे चल के ये अपने देश के लिए कैसे कुछ करेंगे? क्या आप यही सिखाना चाहते हैं बच्चों को कि जब देश में महामारी आए या जब देश क्राइसिस से गुजरने लगे तब भी आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है और अपने पैसे बनाने के बारे में सोचना है? अगर आप इस तरह की शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं तो आप ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक काला धब्बा है कि वो बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। स्कूल का मकसद क्या है? शिक्षा देना होता तो शिक्षा देने के और भी तरीके हैं। आप उन्हें इस पैंडेमिक सिचुएशन में ये शिक्षा दे सकते थे कि अपने देश के साथ खड़े हैं, ये शिक्षा नहीं देते कि पैसे का। একটা টোটাল স্টেট তার আমরা ভোট দিয়েছি, আমাদের দুদিকে দুটো জিনিস আছে, একদিকে স্কুল আর একদিকে আমরা, টোটাল স্টেট জুরিসডিকশনের মধ্যে আছে। স্টেট যেখানে একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছে যে কোনো স্কুল, প্রত্যেকটা স্কুল হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ডে এই ইস্যুটাকে দেখবে, তারা কোনো রকম বর্ধিত ফিস দিতে পারবে না বা কোনো এক্সট্রা ফিস চার্জ করতে পারবে না। সেখানে দাঁড়িয়ে একটা স্টেট ডিরেক্টিভকে জাস্ট উড়িয়ে দিয়ে একটা স্কুল কি গেট বন্ধ করে প্যারেন্টদেরকে ইগনোর করতে পারে? এরকমভাবে ইগনোর করতে ভোট দিচ্ছি বা আমরা যাই করছি, বাট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য স্টেট? আমরা স্টেটের কাছে এই রিকোয়েস্টটা করতে পারি না যে বিইং দ্য প্যারেন্ট অফ দ্য সিটিজেন অফ দ্য স্টেট, দে শুড ইন্টারভেন ইন অল দিস থিং উইচ ইজ হ্যাপনিং হিয়ার। এবং স্কুল এই যে একটা জিনিস করছে, যে দে আর ভায়োলেটিং দ্য ডিরেক্টিভ অফ দ্য স্টেট, সেখানে স্টেট সাইলেন্ট। আমার যখনই যা প্রবলেম হবে আমি রাস্তায় নেমে আসবো,
আমরা যখনই যখন কোনো অসুবিধা হবে আমরা রাস্তায় এসে দাঁড়াবো, অফিস ছেড়ে দেবো। এডুকেশন কো এডুকেশন কিয়া যায়, জব ইয়ে স্কুল ইনস্টিটিউশন জব ওয়েস্ট বেঙ্গল সে অ্যাফিলিয়েশন লেতি হ্যায় তো ও কহতি হ্যায় কি আপকো প্রফিট ইয়া কোই বিজনেস নেই করেঙ্গে, লেকিন আসল মে ইয়ে বিজনেস হ্যায়। আজ এক স্কুল খোল করকে ইয়ে 10 স্কুল কে মালিক বন জাতে হ্যায়, ইয়ে প্রফিট নেই তো কিয়া হ্যায়। हम तमाम पैसे देंगे लेकिन वो पैसे हमारे बच्चे पर खर्च होंगे। हम ट्यूशन फीस देंगे ताकि टीचर्स और स्टाफ की सैलरी हो, लेकिन लेकिन किसी तरह का कोई इजाफा नहीं होगा, किसी तरह का कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, सिर्फ ट्यूशन फीस। इस बात को समझे, हमारी बातों को सिर्फ एक टैग लगा दिया जाए कि गार्जियन पैसा नहीं देना चाहते तो स्टाफ और टीचर को पैसा कहाँ से दिया जाएगा। ट्यूशन फीस और फ्रेंजिस के नाम पर लेने वाला फीस, ये दो अलग चीज है, दो अलग चीज है। इन चीजों को समझ लिया जाए, हुकूमत हमारी बातों को समझे और हमें बहलावे में न रखे। किसी तरह के ऐलान से अब कुछ होने वाला नहीं है। हमारे बच्चों का तालीम टोटल बंद है, टोटल बंद है। उसके बाद भी हम ट्यूशन फीस देना चाह रहे हैं टीचरों के सर्वाइवल के लिए, स्टाफ के सर्वाइवल के लिए। हमें बहलाया न जाए, हमारी बातों को सुना जाए, हमारी बातों पर फौरी एक्शन लिया जाए। और उसी के लिए इस लॉकडाउन में जान का खतरा लेकर के, इस कोरोना वायरस में सड़कों पर हम लोग उतरे हैं। हमारी जान के खतरे को समझा जाए, हमें मरने न दिया जाए। हमारे बच्चों के एजुकेशन का जो राइट है उसको समझा जाए। हमें मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा और कहते हैं कि हमें आपकी सिक्योरिटी है, हमें आपकी सेफ्टी है। ये सेफ्टी ये सिर्फ पहलावा है, धोखा है। इस हुकूमत को चाहिए कि वो आज प्लीज इंटरवेन, प्लीज फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग। कारा इल्लीगल काज करछे, स्टेट डायरेक्टिव के मानछे ना। आमी पथे नेमे अन्याय करछि, आमी नियम मानछि ना, स्कूल नियम मानछे ना।